नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अम्बाला में श्री संत निवास में लगने वाले कावड़ शिविर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग 20 सालों से ज्यादा समय से लगने वाले इस शिविर की देख रेख सनातन धर्म सभा करती है। सभा के प्रधान सुधीर विंदलंस ने बताया कि सनातन धर्म सभा की ओर से श्री संत निवास में 20 सालों से ज्यादा समय से कावड़ियों के लिए शिविर लगाते आ रहे हैं, जिसमें हरिद्वार गोमुख से गंगा जल लेकर आने वाले कावड़ियों को रहने, खाने, पीने, सोने, दवाइयां आदि की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने शिविर नहीं लगाया, लेकिन इस बार ज्यादा कावड़ियां आने की उम्मीद है। इसके लिए उन्होंने सभी जगह परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग पुलिस के साथ भी हो गई है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही है। हरिद्वार गंगोत्री से जल लेकर आने वाले कावड़ियों जहां से भी कावड़ी लेकर निकलते हैं, वहां पूरा शहर बम बम भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठता है। पंजाब हिमाचल जाने वाले कावड़ियों के लिए खाने पीने व टहरने के लिए जगह जगह शिविर लगे होते हैं, जिस कारण ज्यादा भीड़ भी हो जाती है। कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस भी अपना पूरा इंतजाम रखती है। SHO थाना अम्बाला कैंट नरेश ने बताया कि 17 जुलाई से लगने वाले कावड़ शिविर के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवा ली है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जगह जगह सुरक्षा कर्मी लगा दिए हैं। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों से मीटिंग हो गई है। उन्होंने कहा कि कावड़ियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, उसके लिए पोर्टल जारी कर दिया है। श्री सनातन धर्म सभा में जनरल सेक्रेटरी के पद पर मैं नियुक्त हूँ। कावड़ की क्या तैयारी है? कावड़ ये जहाँ श्री संत निवास जगाधरी रोड अम्बाला कैंट में है, यहाँ पे हम पिछले लगभग 20 वर्ष से कावड़ संघ चला रहे हैं। 2019 से 2020 से कावड़ संघ कोरोना के होते हुए बंद था बिल्कुल। अब हमने 4 साल बाद ये कांवड़ शुरू हो रहा है। अब हमने इसको बिल्कुल नया स्वरूप दे दिया है, नए कमरे बनाए हैं, नई व्यवस्था की है, एंड मतलब पूरा आधुनिक तरीके से हमने इसको बना दिया है और लेटेस्ट तरीके का बाथरूम बनाया, ताकि कावड़ियों को, शिविर में आने वाले कावड़ियों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। और सभी तरह की व्यवस्थाएं, जैसे कि भोजन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और हर तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था हमने अपने सुचारू कर दी है, शुरू कर दी है। सर, इसकी परमिशन तारीख में हो गई थी, यानी कि 10 तारीख को हमारी पुलिस से मीटिंग हुई थी। SHO साहब अम्बाला सदर से हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो भी व्यवस्थाएं हमने की हैं उसके बारे में हमने पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है। और जो भी NOCs वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेने थे, जैसे कि CMO साहब से, फायर ब्रिगेड वगैरह से, हमने हर जगह अप्लाई कर दिया है और बहुत शीघ्र ही हमारे को परमिशन मिल जाएगी। नहीं सर, हमारे को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें ऐसा उम्मीद है कि 4 साल बाद, 3 साल बाद ही कांवड़ संघ शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आए। कहाँ कहाँ से कांवड़ी अभी पूछते हैं? हमारे पास कांवड़ियाँ हर जगह से आते हैं। मेनली कांवड़ी हमारे पास पंजाब की तरफ से, हिमाचल की तरफ से, JNK की तरफ से, उस तरफ से कांवड़ी बहुत आते हैं हमारे पास। हमारी पूरी सभा की, श्री सनातन धर्म सभा की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कांवड़ियों को, इस बार आने वाले कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा मिले। और ये हमारा जो श्री संत निवास है, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर जगह है और एक ये लैंडमार्क है कांवड़ियों के लिए। जो भी कांवड़ियाँ हरिद्वार से आके हिमाचल की तरफ, पंजाब की तरफ, हरियाणा के आगे जाते हैं, उनके लिए एक लैंडमार्क है। और यहाँ पे हर तरह की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, हर किस्म के, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना और मेडिकल फैसिलिटी और हर तरह की सुविधा हम प्रोवाइड कराते हैं। और उम्मीद करते हैं कि और अच्छा जो भी हमसे हो सके, श्री सनातन धर्म सभा उसको मेंटेन करके चलेगी। संत निवास अम्बाला जगाधरी रोड पर SD स्कूल के नज़दीक एक भव्य कावड़ शिविर लगने जा रहा है, जिसका आयोजन सनातन धर्म सभा अम्बाला कैंट के द्वारा किया जाएगा, जो 17 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक चलेगा। जैसा कि सभा के पदाधिकारियों ने बताया है, इसमें भारी संख्या में कावड़ यात्री ठहरेंगे। जो भी उनके भोजन और मेडिकल व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से एक कावड़ के लिए विशेष प्रोग्राम जारी होगा। जैसी भी उसमें अधिकारियों के द्वारा गाइडलाइन दी जाएगी, उसी मुताबिक से एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ हैं जो
उनको लगाई जाएंगे और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता जो इंतजाम है वो किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की भी बात कही है, देखिए इसमें एक पोर्टल जारी किया है एसपी साहब ने कि जो भी कांवड़ यात्री, मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ जनता से, कांवड़ जो कांवड़ लेने जाएंगे शिव भक्तों से, कि वो जो भी हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए जाएंगे कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक रजिस्ट्रेशन के करा करके अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, ताकि किसी भी तरह का उनको असुविधा ना हो यात्रा के दौरान, और कहीं भी अगर हेल्प कर सके प्रशासन से उन्हें हेल्प लो तो सर्टिफिकेट लगा करके हेल्प ली जा सके। देखिए वो तो मैं जैसे बता रहा हूँ कांवड़ यात्रा आरम्भ हो उसके लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएंगी, एक्स्ट्रा फोर्स रोडों पर डेप्यूट की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।